शहरवासियों की मांग पर एक बार फिर पुलिस ने शहर के बाहर से आकर काम कर रहे लोगों का सत्यापन करना शुरू किया है। इसके अलावा शहर की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त बनाने की कवायद भी शुरू की है। इसी कड़ी में आज वरिष्ठ उप निरीक्षक विनोद कुमार और त्रिवेणी घाट चौकी प्रभारी प्रकाश पोखरियाल की टीम ने रेलवे रोड, घाट रोड, मुखर्जी चौक पर नगर निगम के सहयोग से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड की ओर से पूरे प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित किए गए। देहरादून के गांधी इंटरमीडिएट कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड की एमडी स्वाति भदौरिया ने शिरकत की। इस दौरान तमाम स्कूलों के छात्र छात्राओं ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहीं बच्चों को कृमि नाशक दवाइयों का सेवन कराया गया। हमारे सीएमओ साहब और गणमान्य पदाधिकारी जो जी, कृमि मुक्ति दिवस पूरे राज्य में मनाया जा रहा है और यहाँ पे स्टेट लेवल फंक्शन बताने और सभी जिलों में भी ये फंक्शन अपने अपने लेवल पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जो कृमि होती है वो हमारे शरीर में जब प्रवेश कर जाती है तो हमारा न्यूट्रिशन, हमारा आयरन, फॉलिक एसिड कुछ भी एब्जॉर्ब होना बंद हो जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सैनिटेशन हाइजीन का ध्यान तो रख ही रखें, लेकिन साथ में समय समय पर हम ये डीवॉर्मिंग भी करते रहें जिससे कि हमारा ये बॉम्ब्स नष्ट होते रहे। और इसी के दृष्टिगत आज पूरे राज्य में लगभग 37 लाख से भी अधिक बच्चों को ये दवा खिलाई जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बार एसोसिएशन के भवन का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव शर्मा एवं सचिव राजवीर सिंह बिष्ट के साथ भारी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। उत्तराखंड बीजेपी ने अपने सदस्यता अभियान को और अधिक तेज कर दिया है। पार्टी ने प्रदेश में बीजेपी के नए सदस्यों को जोड़ने के लिए पार्टी मुख्यालय देहरादून में पोस्टर की लॉन्चिंग की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पोस्टर लॉन्च कर सभी से पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने की अपील की। पोस्टर में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की उपलब्धियों को अंकित किया गया है। आपको बता दें कि 3 सितंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पार्टी की सदस्यता लेने के बाद सदस्यता अभियान शुरू किया था। हमने प्रत्येक कार्यकर्ता से 7 दिनों का समय मांगा है। 7 दिन हर घर पर जाना है। पार्टी की गतिविधियों का पत्रक हमने आज लॉन्च किया है, वो देना है। जिस घर में जा रहे हैं वहाँ स्टिकर भी लगना है। और एक घर के अंदर अगर ऐसे मतदाता हैं जिनको मोबाइल नहीं है, ऑफलाइन मेंबरशिप भी हमारे यहाँ से प्रारंभ हो चुकी है कि पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र में सारी दिक्कतें रहती हैं। एक घर में 9 वोटर होंगे लेकिन मोबाइल एक या दो लोगों के पास ही होंगे। इसलिए उत्तराखंड राज्य की दृष्टि से इसको आवश्यक हो गया था। उस दिशा में हमने अपनी संख्या हर व्यक्ति तक हम सदस्यता हमारी हम पहुँच सकें, हमारी सदस्य बन सकें, इसके कारण आज का ही लॉन्चिंग का कार्यक्रम था। हिमालय दिवस के अवसर पर वाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्थान में कार्यशाला का आयोजन किया गया था। कार्यशाला में जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं और हिमालय के इकोसिस्टम पर मंथन किया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि आईआईटी पटना के निदेशक प्रोफेसर टीएन सिंह ने प्रतिभाग किया। इसके अलावा देश भर के प्रख्यात भू वैज्ञानिक, पर्यावरणविद के साथ ही उत्तराखंड सरकार और हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यशाला की प्रस्तावना प्रस्तुत करते हुए संस्थान के निदेशक प्रोफेसर एमजी ठक्कर ने संस्थान द्वारा हिमालय के संरक्षण की दिशा में किए गए कार्यों का विस्तार से विवरण दिया। हिमालय दिवस 9 सितंबर को मनाया जाता है, जिसका कारण ये है कि पिछले 2 दशक में पूरे हिमालय में और पूरे भारतवर्ष में जो आपदाएँ बढ़ चुकी हैं, जिसका कारण सबसे बड़ा प्राकृतिक कारण ये है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इस पूरी समस्या को मद्देनज़र रखे हमारे यहाँ 15 जितने एक्सपर्ट्स आए हैं, जिसमें हमारे पूर्व डायरेक्टर भी हैं, तो सभी लोग बैठ के मंथन करेंगे कि इस समस्या को कैसे हल किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों गुलदार की दहशत कम होने का नाम नहीं ले रही है। ताज़ा मामला कठूड़ गांव का है, जहां देर शाम एक गुलदार खंडहर घर के अंदर घुस गया, जिसे देखकर ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना वन विभाग को दी। ग्रामीण
आलोक चारू ने बताया कि इन दिनों उनके गांव के आसपास लगातार गुलदार दिखाई दे रहा था, जिसकी शिकायत ग्रामीणों द्वारा पहले ही विभाग को दी जा चुकी थी। वहीं मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने गुलदार को देर रात 1:30 बजे के करीबन पिंजरे में कैद कर लिया। घटना की सूचना हमें मिली और तुरंत जो है हमारी जो रैपिड रिस्पॉन्स टीम है उसको हम लोगों ने जो है मौके पर भेजा और कल शाम को 7 बजे से लेकर रात को दोपहर 2 बजे तक ये ऑपरेशन चला, जिसमें एंड में जो है लेपर्ड को सक्सेसफुली ट्रैंकुलाइज कर उसको रेस्क्यू किया गया। मौके पर हमारी पूरी RRT की टीम, वन क्षेत्र अधिकारी और मैं स्वयं भी था। जब उसको रेस्क्यू किया गया तो देखा गया कि ये एक 4 से 5 साल की उम्र की एक मादा लेपर्ड है और वो आपसी संघर्ष के कारण घायल हो चुकी थी, जिस कारण वो जो है एक खंडर गौशाला में आकर अपना स्थान बना रही थी। उसको जो है आज उसकी प्राथमिक चिकित्सा की जाएगी पशु चिकित्सा अधिकारियों द्वारा और उसके बाद में जो है उसके बारे में निर्णय लिया जाएगा। डोईवाला कोतवाली के भनियावाला में जॉली ग्रांट निवासी अनुराग गोयल व उनके साथियों पर होंडो ने कट्टे की मदद से 3 फायर किए। हालांकि शातिर द्वारा किए गए तीनों फायर मिस हो गए और पीड़ित किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले, जिसके बाद पीड़ित द्वारा डोईवाला कोतवाली में तहरीर दी गई। शुभम चौहान नाम का एक अपराधी जो पहले भी अपराध में संलिप्त था और जिसका पहले भी इतिहास रहा है कि उसने खून किया है किसी का, और उस व्यक्ति द्वारा हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर पिस्टल तानकर गोली चलाने का प्रयास किया गया, जो वीडियो में हमें साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन डोईवाला कोतवाल को हमने कल रात तहरीर देने के बावजूद भी डोईवाला कोतवाल द्वारा कोई कार्रवाई न करके उसमें और इतिश्री कर दी गई इस सारे प्रकरण की, जबकि हमारा मांग ये थी कि उन लोगों को आप अरेस्ट कीजिए, उनसे पूछताछ कीजिए कि उनके साथ कौन कौन लोग शामिल थे, हमारा यही मांग थी, जिसके लिए कि कोतवाल साहब ने ढंग से बात करने को हमसे तैयार नहीं है। उन्होंने हमारे ऊपर तमंचे से 2 फायर कर दी, वो तो ऊपर वाले का शुक्र है कि वो फायर मिस हो गई, उसकी चली नहीं तमंचा उसका, और इतने में हमने वहाँ से गाड़ी अपनी भगा ली और हम सीधे गाड़ी भगा के हम कोतवाल के पास आ गए। हमने कोतवाल साहब को सारी प्रकरण बताया लेकिन कोतवाल साहब उल्टा हमारे ऊपर मुकदमा कर रहे हैं और उसकी तमंचा चलाते हुए उसकी हमारे पास वीडियो है। परसों हमारे जो लड़के हैं वो पिटे हैं, उससे पहले डिवाले में लड़के पिटे हैं, आप जानते हैं उस प्रकरण को, वो प्रकरण बड़ी उससे फैसला को निपटा है, 15 दिन बाद को अभी निपटे हैं। कल फिर जो है परसों फिर इन्होंने इनके लड़कों ने इनको पिटा, इनके लड़कों ने जो तथाकथित युवा मोर्चा का नेता है उनके लड़कों ने इनको पिटा। फिर इसकी घर की कहा गोयल कहा उसके घर में 5 गाड़ियां आई और 5 गाड़ियां 4 स्कूटियां आई उसको मारने के लिए।